हेलो गाइस, वेलकम बैक टू BSW स्टॉक्स एंड फाइनेंस। मैं निकेत बसवानी फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी न्यू वीडियो पे। आज हम जानेंगे कि कैसे रिच डैड पुअर डैड वाली किताब जो कि रॉबर्ट कियोसाकी ने लिखी थी, उसमें उन्होंने कैसे समझाया है कि स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है किसी इंसान के लिए, उसकी ज़िंदगी में क्या उसको फ़ायदा हो सकता है अगर वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है, एंड क्यों करना चाहिए, एंड करते भी है तो कैसे करना चाहिए। तो जानते हैं, पहले मैं आपको छोटा सा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ रॉबर्ट कियोसाकी के बारे में। इन्होंने इनकी खुद की नेटवर्थ है 100 मिलियन डॉलर्स, एंड इन्होंने ये बुक लिखी थी रिच डैड पुअर डैड, जो कि इनके दो फादर्स के बेस पे है। एक इनके असली फादर जो कि पुअर थे, और इसके एक फ्रेंड के फादर जो काफ़ी रिच थे, एंड उनके फ्रेंड के रिच फादर से इनको काफ़ी एडवाइजेस मिली है लाइफ में, जिनसे ये आज इस लेवल पर पहुंचे हैं। एंड इनका ये मानना है कि इनके जो फ्रेंड थे जिनके फादर ने उनको ट्रेनिंग दी, उनके फ्रेंड भी आज मल्टी मिलियनेयर है, एंड काफ़ी अच्छा उनका एम्पायर है। उनके फादर का उन्होंने टेक ओवर किया था, एंड काफ़ी अच्छा खासा वो कर रहे हैं आज की लाइफ में, इनसे भी बढ़कर, रॉबर्ट कियोसाकी से भी बढ़कर है वो लाइफ में अभी। तो जानते हैं रॉबर्ट कियोसाकी का कहना क्या है उनकी बुक के हिसाब से, क्यों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना क्यों ज़रूरी है। देखो, रॉबर्ट कियोसाकी का ये मानना है, उनका बचपन से उनको ट्रेनिंग मिल गई थी कि रिच नेवर वर्क फॉर मनी, दे हैव देयर मनी वर्किंग फॉर देम। यानी पैसे के लिए कभी अमीर आदमी काम नहीं करता, अमीर आदमी का पैसा उसके लिए काम करता है। अब इससे कैसे ये एक्सप्लेन करते हैं बुक में, काफ़ी अच्छे एग्जांपल के साथ एक्सप्लेन करते हैं कि अगर आप किसी जॉब को कर रहे हो तो टेक्निकली यू आर वर्किंग फॉर द मनी, नॉट द मनी इज़ वर्किंग फॉर यू। आप जितना ज़्यादा काम करोगे, जितना ज़्यादा कमाओगे, उतना ज़्यादा आपके खर्चे बढ़ेंगे, उतना ज़्यादा आपको और कमाने की होगी, उतने ज़्यादा आपके और खर्चे बढ़ेंगे। इसी तरह ये साइकिल चलता रहेगा, आप एक रैट रेस में फंस जाओगे। तो जानते हैं स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना क्यों जरूरी है। आपने पैसे कमाए, अगर आपको आपके मनी को वर्क पे लगाना है तो आपके पास मनी एक्चुअल होना तो चाहिए ना। मनी होगा ही नहीं तो आपके लिए मनी वर्क कैसे करेगा। तो उसके लिए इनका मानना है कि उन्होंने जॉब की थी, साथ में लाइक छोटे छोटे बिजनेसेस भी किए थे। रॉबर्ट कियोसाकी का मेन मानना है कि पैसे तो कमा लिया आपने, और पैसे को बचाना आना चाहिए। पैसे बचाने के लिए आप अपने खर्चे कम कर सकते हो, बड़ा घर नहीं ले सकते। इनका तो ये भी मानना है कि घर भी एक इंसान के लिए उसकी ज़िंदगी में लायबिलिटी होती है, तो घर भी आपको छोटा रखना चाहिए। लाइक जितना हो सके आपको पैसे बचाने चाहिए खर्चे कम करके। फिर जो बचे हुए पैसे हैं उनको आपको ग्रो करना चाहिए। क्यों ग्रो करना चाहिए, ये मैं आपको मेरी भाषा में समझाता हूँ, साधारण भाषा में, इंडियन भाषा में। आप आपके घर पे, जैसे आप रहते हो इंडिया में, ठीक है, इंडिया में 6 ऑलमोस्ट 5 to 7% का इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है। मैं कोई एक एवरेज नंबर नहीं पकड़ रहा हूँ, आप समझ के चलो 5 to 8% का इन्फ्लेशन रेट बढ़ रहा है सपोज, ठीक है। तो आपके पास अगर कैपिटल है, लेट से 10 लाख का कैपिटल है, एंड अगर एक साल हो चुका है और आपका 10 लाख का कैपिटल, अगर 10 लाख ही आपके पास पड़ा है, तो टेक्निकली आप लॉस में हो 6% या 5 to 7% आपके कैपिटल के, बिकॉज इन्फ्लेशन बढ़ चुका है, महंगाई बढ़ चुकी है, लेकिन आपका पैसा नहीं बढ़ा है। इसलिए रॉबर्ट कियोसाकी एंकरेज करते हैं कि आपको क्यों आपका पैसा ग्रो करना चाहिए। इतना ही नहीं ग्रो करना चाहिए कि सिर्फ इन्फ्लेशन को बीट करे, जबकि आपका पैसा अगर आप चाहो तो आप एक लेमन को यानी एक नींबू को लेके एक मिलियंस में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ऐसा रॉबर्ट कियोसाकी ने बुक में मेंशन किया है। उन्होंने कैसे बताया है, उनका मेन जो है इन्वेस्टमेंट करने का तरीका वो है रियल एस्टेट। बट रियल एस्टेट में आपको पैसा बड़ा चाहिए, बड़ा पैसा होगा तो ही काम होगा, एंड टाइम भी आपको बहुत देना पड़ेगा। बट रियल एस्टेट सबसे बेस्ट चीज़ है, एंड इनका ऑलमोस्ट फाउंडेशन जो है रियल एस्टेट में से ही बाहर निकल के आया है। बट इनका सेकेंड जो प्रायोरिटी रहता है पैसे इन्वेस्ट करने में, वो होता है स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड्स, एंड जो भी स्टॉक मार्केट के रिलेटेड चीज़ होती है, जैसे डिबेंचर्स एंड बॉन्ड्स वगैरह। वो क्यों, क्योंकि स्टॉक मार्केट में आप फास्ट लिक्विडेट कर सकते हो अपने कैश को। लिक्विडेट का मतलब, सपोज आपने किसी चीज़ में पैसा लगाया और आपको एग्जिट होना है उस चीज़ में से, तो आप तुरंत उस चीज़ में से एग्जिट होके आपका कैश ले सकते हो। ये स्टॉक मार्केट में आपको इजीली हो जाता है अवेलेबल। आपने स्टॉक्स खरीदे, आपने स्टॉक बेचे, आपको पैसे मिल गए। तो लिक्विडेट हो यानी कैश अपना बाहर निकालना काफ़ी ईजी होता है कंपेयर टू रियल एस्टेट। एंड स्टॉक मार्केट में आप छोटे से पैसे के साथ भी स्टार्ट कर सकते हो। देखो, रियल एस्टेट में तो आज के ज़माने में 1 लाख रुपीज़ का रियल एस्टेट लेना ऑलमोस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, बट स्टॉक मार्केट में 1 लाख रुपीज़ को इन्वेस्ट करना डेफिनेटली पॉसिबल है। इनफैक्ट 1 लाख रुपीज़ स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना एक अच्छी बात है, एंड आपको अच्छा रिटर्न भी मिल सकता है अगर आपको निकालने आता है रिटर्न तो।
या आपके आपको कोई गाइड करता है या आपको कोई मेंटर है। तो रॉबर्ट कियोसाकी का तो ये भी मानना है कि अगर आपको पैसा अच्छा खासा कमाने मिल चुका है, आपकी पैसिव इनकम अच्छी खासी हो चुकी है, तो जो पैसिव इनकम आपने कमाई है उसका थोड़ा सा पार्ट आप ज़्यादा रिस्क लेने वाले ट्रेड्स में भी लगा सकते हो, स्पेकुलेटिव ट्रेड्स में भी लगा सकते हो, ऐसा उन्होंने खुद बुक में बोला है। अब अगर आपको पैसे बढ़ाने हैं तो ऐसे तो बढ़ेंगे नहीं, बैठे बैठे तो बढ़ नहीं जाएंगे, तो आपको पैसे को बढ़ाने के लिए रिस्क लेना पड़ेगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ अपने इंडियन मार्केट्स में इस चीज़ का जो रॉबर्ट कियोसाकी ने समझाया है। अगर आपके पास 10 लाख रुपीज़ का कैपिटल पड़ा है तो आप इजीली 20 से 30,000 रुपीज़ का इंट्राडे में ट्रेड ले सकते हो, ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हो, या जो भी आपको लाइक स्विंग ट्रेड्स हो गए या बाय टुडे सेल टुमारो टाइप के जो हाई रिस्क हाई रिवॉर्ड ट्रेड्स होते हैं, उनमें रिस्क तो भले ज़्यादा होता ही है बट रिवॉर्ड भी ज़्यादा होता है, रिवॉर्ड यानी कि रिटर्न। तो रिस्क तो आपको ज़्यादा लेना ही है बट रिटर्न भी आपको ज़्यादा मिलेगा। तो उस हिसाब से रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है कि आपके 10 लाख कैपिटल में अगर आप 50,000 भी स्पेकुलेटिव ट्रेड्स में लगाते हो तो इट कैन बी अ गुड पॉइंट फॉर यू। हो सकता है वो 50,000, 70,000, 80,000 या 90,000 में कन्वर्ट हो जाए, और जो आपने 10 लाख रुपीज़ जो शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लगाए थे उसमें भी अगर आपको 15-20% ईयरली रिटर्न मिल जाता है तो ओवरऑल आपकी वेल्थ अच्छे से बढ़ जाएगी। इस तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना काफ़ी ज़रूरी है किसी इंडिविजुअल के लिए अपनी लाइफ में। एंड ज़रूरी नहीं है कि आप स्टॉक्स ही खरीदें, म्यूचुअल फंड्स में पढ़ सकते हैं, डिबेंचर्स में पढ़ सकते हैं, बॉन्ड्स एंड ऑल सब होता है, आप उसमें पढ़ सकते हैं कौन सा म्यूचुअल फंड अच्छा परफॉर्म किया था, कौन सा डिबेंचर लेने जैसा है, कौन से स्टॉक्स का पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, उसके लिए आपको चाहिए एक मेंटर। तो हमारा शेर खान के साथ पार्टनरशिप है, इनफैक्ट हम शेर खान के ऑथोराइज पर्सन हैं, यानी कि आप टेक्निकली कह सकते हैं सब ब्रोकर हैं हम। हम आपको आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से, अगर आपको लॉन्ग टर्म जाना है तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म जाना है तो शॉर्ट टर्म, इंट्राडे करना है तो इंट्राडे, ऑप्शंस करना है तो ऑप्शंस, हर एक फील्ड में आपको एडवाइजरी मिलेगी, आपको टेक्निकल सपोर्ट मिलेगा, आपको गाइडेंस मिलेगी एक एक स्टेप पे। इनफैक्ट आपको ट्रेनिंग चाहिए स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए, ट्रेनिंग भी देते हैं हम फ्री ऑफ कॉस्ट, एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, नो चार्जेस एट ऑल। एंड ऑप्शंस एंड इंट्राडे के लिए हमारा एक सेपरेट व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम ऑप्शंस एंड इंट्राडे की एजुकेशनल पर्पस डेली 2 से 3 कॉल्स भेजते हैं। कॉल्स इन द सेंस एडवाइजरी हो गया कि हम एडवाइस करते हैं, सजेस्ट करते हैं, बट वो एजुकेशनल पर्पस के लिए होते हैं। तो ये सब चीज़ें आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी अगर आपका शेर खान में डीमेट अकाउंट है हमारे अंडर, यानी हमारी लिंक से ओपन किया हुआ होना चाहिए जो कि डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल जाएगी। नंबर भी हमारा डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है, आप हमको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अगर आपका ऑलरेडी शेर खान में अकाउंट है तो आप उसको हमारे अंडर फ्री शिफ्ट भी करवा सकते हैं हमारी ब्रांच के अंदर। तो उसकी प्रोसेस भी आपको मैं बता दूंगा, आप हमको व्हाट्सअप कीजिएगा, हमारा नंबर भी डिस्क्रिप्शन पे है। तो इस तरीके से रॉबर्ट कियोसाकी ने एक्सप्लेन किया है अपनी रिच डैड पुअर डैड बुक में कि क्यों स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ज़रूरी है किसी इंसान के लिए। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं रिच डैड पुअर डैड के बारे में एक डिटेल्ड रिव्यू और डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन बनाऊँ हिंदी में तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय। डो नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, शेयर उनको ज़रूर कीजिएगा जो कि आपको काफ़ी मोटिवेशनल पर्सन लगता हो अपने फाइनेंस को लेकर।